हेलो एवरीवन, वेलकम टू धारिणी स्टूडियो चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो 800 स्क्वायर फीट में क्या आपको मटेरियल लगेगा उसी का वीडियो है, और साथ साथ में आपको क्या कॉस्ट आएगा, अभी क्या कॉस्ट आ रहा है उसका वीडियो है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये स्पेशली मटेरियल का है, क्या मटेरियल आपको खर्च लगता है 800 स्क्वायर फीट घर बनाते हैं तो, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर क्या, मतलब क्या कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, वो सारा इस वीडियो में अवेलेबल है। और भी पहले भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये काफ़ी एस्टिमेशन का वीडियो, तो आप देख सकते हैं हमारे जाके प्लेलिस्ट में को क्या खर्चा आ रहा है। आज की जो वीडियो है स्पेशली है वो क्या मटेरियल लगेगा, मतलब 800 स्क्वायर फीट में क्या मटेरियल आपको मंगवाना पड़ेगा, बिल्डिंग मटेरियल, उसी का वीडियो है। और चैनल में पहली बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो देखिए, 20x40 यानी 800 स्क्वायर फीट में क्या मटेरियल लगेगा उसी का वीडियो है। देखिए बिल्टअप एरिया भी सेम है, 20x40 यानी 800 स्क्वायर फीट, और ग्राउंड प्लस वन में है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्राउंड फ्लोर का आ रहा है 1112 रुपये पर स्क्वायर फीट, और फर्स्ट फ्लोर का आ रहा है 719 रुपये पर स्क्वायर फीट। टोटल कॉस्ट आ रहा है 14,73,000 रुपये आपको कॉस्ट आएगा 800 स्क्वायर फीट में। ये कॉस्ट तो वेरी कर सकता है, बाकी वो डिपेंड करता है क्या आप रेट से ला रहे हैं, बाकी कितना मटेरियल लगेगा वो आपको अप्रॉक्स पता चल सकता है क्या मटेरियल लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कितना मटेरियल लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ग्राउंड फ्लोर का मटेरियल का यहाँ पे डिटेल बताया गया है। देखिए एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे क्या मटेरियल लगेगा उसी का वीडियो। देखिए सीमेंट बैग आपको 320 बैग लग जाएगा, सीमेंट बैग आपको ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब पूरा आप पाइलिंग से लेकर आपको छत तक 320 बैग आपको लग जाएगा सीमेंट। और अगर आप 400 का रेट ले रहे हैं तो 1,28,000 आपका सीमेंट लग सकता है, इतना का आपको सीमेंट लग जाएगा। बाकी ये रेट डिपेंड करता है आप किस रेट से ले रहे हैं, बाकी ये 350 से 400 तक वैरी करेगा सीमेंट का, सीमेंट के क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप किस ब्रांड का सीमेंट ले रहे हैं और किस ग्रेड का सीमेंट ले रहे हैं। देखिए 14% अप्रॉक्स आपको सीमेंट पे खर्च आ रहा है। देखिए सैंड पे उसी तरह है, 2400 CFT आपको सैंड मंगवाना पड़ेगा, 2400 CFT आपको सैंड मंगवाना पड़ेगा। तो आपको 2400 CFT सैंड हो गया यानी 60 रुपये पर CFT से आप अगर सैंड ले रहे हैं तो आपको 1,44,000 का आपका सैंड लग जाएगा। अप्रॉक्स आपको 15 से 16% अप्रॉक्स आपको खर्च आता है सैंड पे, ठीक है, जो कि बालू है। उसके बाद स्टील की बात करें तो स्टील आपको 3600 kg आपको लगेगा यानी 3.6 टन आपको स्टील पर लगेगा। बाकी आप डिपेंड करता है किस रेट से ले रहे हैं, तो अप्रॉक्स आपको एवरेज रेट अभी 65 रुपये चल रहा है आसपास, तो आपको 2,34,000 का आपका स्टील लग जाएगा, 26% अप्रॉक्स है स्टील का, यानी 3.6 टन आपको लगेगा स्टील। ये फ्रेम ऐसे से बिल्डिंग बनवाते हैं तो उसी का एस्टिमेशन है ये। तो 65 रुपये पर के जी आप स्टील ले रहे हैं तो आपको 2,34,000 का स्टील लग जाएगा। उसी तरह ग्रेवल है, ग्रेवल यहाँ पे 1600 CFT लगेगा, और 75 रुपये पर CFT आप ले रहे हैं तो 1,20,000 का आपका ग्रेवल लग जाएगा। और ब्रिक की बात करें तो आपको 8,000 ब्रिक लग सकता है ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी वो डिपेंड करता है कि आप क्या फ्लोर प्लान आपका है, आप पार्किंग रख रहे हैं या फ्लैट बनवा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ब्रिक कितना लगेगा। अप्रॉक्स आपको एवरेज 8,000 आपको लग सकता है ब्रिक, यानी 8 रुपये अगर ले रहे हैं ब्रिक तो 64,000 का आपका ब्रिक लग जाएगा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आपको 6,90,000 तक आ सकता है अगर आप इस रेट से ले रहे हैं तो, ठीक है। और ये लेबर कॉस्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्टर रेट आपको 2,00,000 रुपये अप्रॉक्स लग सकता है ग्राउंड फ्लोर के लिए। टोटल कॉस्ट आ सकता है आपको 8 से 9 लाख रुपये ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी ये रेट पे डिपेंड करता है ये सारा चीज़, और आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट ले रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। बाकी आपको मटेरियल का ये क्वान्टिटी आपको अप्रॉक्स पता चल सकता है क्या मटेरियल लगेगा ग्राउंड फ्लोर पर 800 स्क्वायर फीट में घर बनवाने तो। बाकी ये रेट तो आप वेरी करेगा, आप किस रेट से मंगवा रहे हैं और क्या हैंडलिंग चार्जेज है इस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी क्या खर्च आ रहा है, और अभी तक वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे भी क्या आपको क्या मटेरियल लगने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या उससे ऊपर बनवाते हैं तो क्या लगेगा आपको 800 स्क्वायर फीट का ये स्पेशली है। तो ये देखिए ये है फर्स्ट फ्लोर का, या उससे ऊपर बनवाते हैं तो सेम रेट आपको ये सेम क्वान्टिटी लग सकता है। देखिए सीमेंट बैग यहाँ पर 240 बैग आपको सीमेंट बैग लग जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर, बाकी ये रेट सेम है जो ऊपर अभी रखा गया था, तो अप्रॉक्स 96,000 का सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। और सैंड की बात करें तो सैंड आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे 2400 लगेगा CFT, और 60 रुपये पर CFT ले रहे हैं तो आपको 1,44,000 का आपको सैंड लग सकता है। और स्टील यहाँ पे केजी में है तो 2,000 आपको केजी यहाँ पे लगेगा यानी 2 टन
आपको स्टील लग जाएगा यहाँ पे, और 65 रुपये अगर आप इसी के आसपास ले रहे हैं तो आपको 1,30,000 का आपका स्टील लग जाएगा। और गिट्टी के बाद कोई ग्रेवल तो 560 CFT आपको लग सकता है टोटल फर्स्ट फ्लोर पे, 75 रुपये पर CFT है तो 42,000 का। और ब्रिक की बात करो तो ब्रिक यहाँ पे 6,400 आपको लगेगा, 8 रुपये पर ब्रिक ले रहे हैं तो अभी 51,000 का आपका ब्रिक लग सकता है। बाकी ये रेट पहले बताया कि वेरी करेगा आपके क्या रेट से ले रहे हैं। बाकी अप्रॉक्स आपको क्वांटिटी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे 240 बैग सीमेंट बैग लग जाएगा, और सैंड यहाँ पे 2400 CFT लग जाएगा, और स्टील यहाँ पे 2 टन तक अप्रॉक्स आपको लग सकता है, और ग्रेवल यहाँ पे 560 CFT लगेगा, और ब्रिक यहाँ पे 6,400 लगेगा। ये फिर ये मतलब डिपेंड करता है कि आपका क्या फ्लोर प्लान है, उस पर भी डिपेंड करता है ब्रिक। ये टोटल मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आएगा 4,63,200 रुपये अप्रॉक्स है, प्लस माइनस 10% तक हो सकता है। आपको 4.5 से 5 लाख तक अप्रॉक्स आपको मटेरियल पे खर्च आ सकता है फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी प्लानिंग पे भी डिपेंड करता है आपको क्या किस टाइप का कॉलम आपका है, क्या बीम साइज है, उस पर भी डिपेंड करता है टोटल मटेरियल का ये क्वांटिटी। और लेबर कॉस्ट यहाँ पे 1,20,000 है जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है और फर्स्ट फ्लोर के लिए। और सेकेंड फ्लोर बनाते हैं तो आपको सेम ये लग सकता है अप्रॉक्स, आपको 240 बैग सीमेंट लगेगा, 2400 CFT आपको सेकेंड फ्लोर पे, 2400 CFT आपको सैंड लग सकता है, 2000 kg आपको स्टील लग सकता है, और 560 CFT आपको ग्रेवल लग सकता है, और 6,400 ब्रिक आपको लग सकता है फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे भी। यानी ग्राउंड प्लस 2 बनवाते हैं तो आपको ये सेकेंड फ्लोर पे ये आपको लग सकता है आपको। यानी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया 4,63,000 आपको, और ये कॉन्ट्रैक्टर रेट है 1,20,000 का। टोटल कॉस्ट आ रहा है 5,83,000 आपको फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा। सेकेंड फ्लोर पे भी सेम आ सकता है, बाकी वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर रेट का सेकेंड फ्लोर पे क्या ले रहे हो। बाकी अप्रॉक्स आपको इतना लेना चाहिए, 1,20,000 ही लेते हैं तो आपको 5,83,000 आपको आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे खर्च, ठीक है। और ये रहा था मटेरियल का क्वांटिटी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या ग्राउंड फ्लोर पे क्या ले रहा था मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर का था ये सीमेंट बैग, यहाँ पे 320 बैग लग रहा था, सैंड यहाँ पे 2400 CFT लग रहा था, और स्टील यहाँ पे 3600 kg लग रहा था, ग्रेवल यहाँ पे 1600 CFT लग रहा था, ब्रिक यहाँ पे 8,000 लग रहा था। 6,90,000 का आपका मटेरियल कॉस्ट आ रहा था, और 2,00,000 रुपये अप्रॉक्स आपको लेबर कॉस्ट आ रहा था, और जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है, और कॉस्ट आ रहा था टोटल 8,90,000। ये ग्राउंड फ्लोर का आ गया। और फर्स्ट फ्लोर का ये रहा फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर पे आपको सीमेंट बैग 240 बैग लग रहा था, और सैंड यहाँ पे 2400 CFT लग रहा था, स्टील यहाँ पे 2000 kg लग रहा था इन 2 टन, ग्रेवल यहाँ पे 560 CFT लग रहा था, और ब्रिक यहाँ पे 6,400 लग रहा था। टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया 4,63,000, और लेबर कॉस्ट आ गया जो कि कॉन्ट्रैक्टर रेट है 1,20,000। टोटल कॉस्ट आ रहा है 5,83,000 आपको इतना आ सकता है अप्रॉक्स खर्च फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर भी सेम आएगा। तो कैसा लगा वीडियो जो बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको कौन सा एस्टिमेशन किस प्लॉट का चाहिए कमेंट कीजिए। और भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।